अब देखो यहाँ पर हमारे विंस मिकमैन कितना भी यहाँ पर मीडिया के सामने चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि यहाँ पर वो AEW को उनका कंपटीशन नहीं मानते, लेकिन अंदर ही अंदर सारी बातें हमें पता ही हैं। और अंदर ही अंदर से कह सकते हो इनका थोड़ा सा यहाँ पर चिट्ठा खुल चुका है, क्योंकि एक वीडियो क्लिप यहाँ पर सामने निकल के आई है जहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि NXT के शो के चलते यहाँ पर जो WWE के प्रोड्यूसर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो यहाँ पर देख रहे हैं AEW के शो को। तो वो तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा भी काफ़ी सारी अपडेट्स होने वाली हैं, जैसे कि फिन बैलर ने यहाँ पर कैसे रिप्लेस कर दिया है ब्रे को। बहुत कुछ होने वाला है वीडियो के अंदर, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना और लाइक जरूर कर देना। तो गाइस फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं पीट डन के बारे में। तो अभी यहाँ पर मैंने आपको एडम कोल के बारे में बताया था कि किस तरीके से यहाँ पर जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर खत्म हो चुका है, और उन्होंने यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म डील साइन कर लिया है WWE के साथ, जो कि यहाँ पर समर स्लैम के बाद खत्म होने वाली है। तो पीट डन को लेके यहाँ पर कल फाइट फुल ने यहाँ पर रिपोर्ट्स दी और बताया कि पीट डन का भी जो WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर खत्म होने वाला है, और वो इसी यहाँ पर वीकेंड में हो जाएगा, मतलब इस वीक में नहीं, समर स्लैम के बाद उनका भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म होने वाला है, यानी कि लेट अगस्त तक, यानी कि अगस्त के महीने में यहाँ पर पीट डन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म होने वाला है। और ऐसा लग रहा है कि पीट डन भी यहाँ पर कंपनी को छोड़ने वाले हैं या फिर कंपनी से जाने वाले हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई न्यू डील भी साइन करी नहीं है। तो जैसे जैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर अभी माहौल चल रहा है प्रो रेसलिंग के अंदर, सुपरस्टार्स भी रिलीज हो रहे हैं और यहाँ पर जिनके कॉन्ट्रैक्ट हैं WWE के साथ वो यहाँ पर वापस से साइन कर नहीं रहे हैं, और एडम कोल ने भी अभी तक कोई डील साइन करी नहीं है WWE के साथ। तो पता नहीं है क्या फ्यूचर होने वाला है WWE का। एक के बाद हम एक देख रहे हैं बड़े बड़े नेम्स यहाँ पर सामने आ रहे हैं, और NXT के कह सकते हो ये काफ़ी बड़े नेम है, एडम कोल और पीट डन। वैसे मैं अपनी बताऊँ तो मैं चाहूँगा नहीं कि पीट डन यहाँ पर WWE से जाएँ, क्योंकि अभी उनको काफ़ी कुछ करना है WWE के अंदर। मेन रोस्टर में आके वो काफ़ी कुछ यहाँ पर दे सकते हैं, काफ़ी अच्छे मैचेस दे सकते हैं, तो मैं तो नहीं चाहूँगा। और बाकी जो आगे की जो रिपोर्ट्स मिलेंगी, अभी फाइटफुल ने बस इतनी यहाँ पर रिपोर्ट दी, अभी आगे चल के कुछ और भी पता चलेगा तो वो फिर यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। अगली अपडेट की बात करें चुकी गाइस यहाँ पर इम्पैक्ट रेसलिंग के इमरजेंस के बारे में, जो कि उनका जो अगला इम्पैक्ट प्लस का स्पेशल शो होने वाला है, पेपर व्यू होने वाला है, वो उन्होंने यहाँ पर अनाउंस कर दिया है, जो कि 20 अगस्त को आने वाला है। और उसके लिए कुछ मैचेज यहाँ पर ऑफिशियल कर दिए गए हैं। एक्स डिवीजन चैंपियनशिप का मैच हमें देखने को मिलेगा, और इसके साथ ही जो टैग टीम चैंपियनशिप का मैच है वो भी यहाँ पर ऑफिशियल है, और यहाँ पर 20 अगस्त को ये डेट होने वाली है। और यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर मैं इस चीज़ को मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि 20 अगस्त को आपको पता है कितनी सारी चीज़ें होने वाली हैं। यहाँ पर AEW का रैम्पेज भी आने वाला है, जो कि आपको पता है काफ़ी उनका उस दिन बड़ा इवेंट होने वाला है, जो कि रूमर किया जा रहा है कि उसी दिन यहाँ पर CM Punk आएंगे AEW के अंदर। ऊपर से उसी दिन फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन भी है, क्योंकि फ्राइडे को है स्मैकडाउन भी आना है और इमरजेंस भी आना है, तो एक ही दिन यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो इम्पैक्ट रेसलिंग का ये इमरजेंस जो पेपर व्यू है वो भी यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया है। अगली अपडेट की बात करें चुकी गाइस यहाँ पर NXT टेकओवर 36 के बारे में, जो कि यहाँ पर समर स्लैम के बाद आने वाला है। वैसे तो हम देखा करते थे कि यहाँ पर समर स्लैम से एक दिन पहले टेक ओवर हुआ करते थे, लेकिन इस बार यहाँ पर समर स्लैम पहले हो रहा है और उसके बाद यहाँ पर टेक ओवर हमें देखने को मिलेगा। और आपको पता ही यहाँ पर कितना बड़ा मैच अनाउंस है, कैरियन क्रॉस वैसे समोआ जो के बीच में, समोआ जो इतने टाइम बाद रिंग के अंदर आके कोई मैच रसल करेंगे, और वो भी चैंपियनशिप का मैच उनको मिलने वाला है। तो काफ़ी बड़ा मैच होने वाला है और काफ़ी वैल्यू होने वाली है इस पेपर व्यू की। तो WWE यहाँ पर कंसिडर कर रही है कि NXT टेक ओवर को यहाँ पर वो लास वेगस के अंदर ही कराएं और किसी बड़ी एरिना के अंदर कराएं, यानी कि अभी तक हम देख रहे हैं जब से ये लॉकडाउन वगैरह का सीन चल रहा है NXT के जितने भी टेक ओवर हो रहे हैं वो यहाँ पर परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर से ही हो रहे हैं। और पहले हमें पता है टेक ओवर हुआ करते थे वो भी बड़ी बड़ी एरिनास के अंदर हुआ करते थे, जहाँ पर क्या क्राउड का मतलब जो नॉइस सुनने को मिलती थी, यानी कि जो उनका पॉप होता था NXT के अंदर, आपको पता है कितना यहाँ पर तगड़ा पॉप मिलता है, तो वो सुन के मज़े आ जाता था। तो NXT यहाँ पर कंसिडर कर रही है कि यहाँ पर NXT के जो अगले ये टेक ओवर होने वाला है उसको यहाँ पर किसी बड़ी एरिना के अंदर कराएं। वैसे ये कुछ शुरुआती अभी अपडेट्स निकल के आ रही हैं, कन्फर्म यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं भी यहाँ पर चाहूँगा कि WWE यहाँ पर NXT को भी यहाँ पर आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर लेके जाएँ, यानी कि फैंस तो आ चुके हैं। तो वैसे तो मैं पता है NXT यहाँ पर छोटी सी जगह से होता है, लेकिन पेपर व्यू हमें पता है उनके काफ़ी बड़ी बड़ी एरिना से होते हैं। तो देखते हैं फिर आगे चल के हमें क्या देखने मिलता है, काफ़ी बड़ा मैच भी होने वाला है, और WWE अगर कोशिश कर ले तो फिर शायद हमें NXT का ये जो टेक ओवर है वो भी यहाँ पर किसी बड़ी एरिना के अंदर ही देखने को मिलेगा। अगली अपडेट की बात करें जो कि गाइस यहाँ पर फिन बैलर के बारे में, और फिन बैलर ने यहाँ पर कैसे रिप्लेस कर दिया है ब्रे वायट को। वैसे तो मैं पता है फिन बैलर और ब्रे वायट की यहाँ पर क्या हिस्ट्री रही है, इनकी फ्यूड रही है आपस में, और दोनों का थोड़ा एक ही टाइप का कैरेक्टर है दोनों के। अगर हम डीमन वाले कैरेक्टर की बात करें तो फिन बैलर ने कैसे यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, तो आपको पता है यहाँ पर
आपको क्या पता, सबको यहाँ पर पता है WWE का स्टार्टिंग में हम देखते हैं इंट्रो आता है किसी भी शो को, यहाँ पर जब WWE स्टार्ट करती है उनका एक सिग्नेचर यहाँ पर ग्राफिक आता है, तो उसी ग्राफिक में से जब यहाँ पर पहले ब्रे वायट थे तब उनका फीड वाला यहाँ पर ग्राफिक आता था, लेकिन WWE ने यहाँ पर उनको रिप्लेस कर दिया फिन बैलर से, और उस ग्राफिक से यहाँ पर ब्रे वायट को निकाल दिया और अब यहाँ पर उनकी जगह ले लिया फिन बैलर ने, जो कि हमने देखा फिन बैलर ने भी यहाँ पर स्मैकडाउन के अंदर अपना रिटर्न करा था, तो उनको सीधा सीधा यहाँ पर जगह मिल चुकी है इस ग्राफिक के अंदर। अब वैसे काफ़ी बड़ी रिप्लेसमेंट तो नहीं है, और वैसे यहाँ पर कोई रिप्लेस कर नहीं सकता ब्रे वायट को, क्योंकि उनका किस टाइप का कैरेक्टर था, वो किस टाइप के इंसान थे, लेकिन यहाँ पर WWE आप कह सकते हो ब्रे वायट की यहाँ पर जो जगह रह गई थी उसको यहाँ पर फिल करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर फिन बैलर ने रिप्लेस करा है ब्रे वायट को। वैसे ब्रे वायट से यहाँ पर बात चल रही है, तो ब्रे वायट ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना जो अगला कैरेक्टर होने वाला है, उनका अगला जो भी यहाँ पर पर्सोना होने वाला है, उसको यहाँ पर टीज करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ब्रे वायट ने यहाँ पर उनके इंस्टाग्राम के बायो के अंदर यहाँ पर अपने पहले तो नेम को यहाँ पर चेंज कर लिया, जो कि यहाँ पर उनका नेम है, मुझे तो वैसे बोलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है इस नेम को, जो कि है विधम रोतुंदा, ऐसा यहाँ पर कुछ नेम है, और मैं गलत ही बोल रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है, और साथ ही नीचे एक लाइन लिखी है जो कि है कल्ट ऑफ विधम कमिंग सून, तो ऐसा लग रहा है विधम यहाँ पर कौन का कोई न्यू गिमिक होने वाला है, न्यू कैरेक्टर होने वाला है शायद, हमें जहाँ पर भी ब्रे वायट आएंगे तो वो शायद इसी नेम के साथ हमें देखने को मिले। और एक और यहाँ पर मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, वैसे तो हमें वैसे आइडिया लग ही जाता है कि अब WWE का कोई भी सुपरस्टार WWE से जाता है, कंपनी को छोड़ता है या फिर रिलीज़ कर दिया जाता है, तो वो AEW के अंदर ही जाता है, और इतना हम आइडिया लगा लेते हैं क्योंकि WWE के बाद अब कोई बड़ी कंपनी है तो वो AEW ही है, और वैसे हम देखते ही हैं ज़्यादातर सुपरस्टार AEW के अंदर ही जाते हैं। तो ब्रे वायट ने यहाँ पर क्या करा, उनका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, ब्रे वायट ने यहाँ पर इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करके रखा है AEW के मालिक टोनी खान को। अब टोनी खान को उन्होंने यहाँ पर फॉलो करा है, तो वो फालतू में तो यहाँ पर फॉलो करेंगे नहीं टोनी खान को, और वो भी उनको जो कि यहाँ पर WWE के राइवल हैं, राइवल कंपनी है AEW, तो टोनी खान को यहाँ पर AEW के जो मालिक है उनको फॉलो करके रखा है ब्रे वायट ने इंस्टाग्राम के ऊपर, तो इससे कह सकते हो काफ़ी कुछ टीज होता है, और काफ़ी यहाँ पर हैवी स्पेकुलेशंस आ रही हैं कि शायद ब्रे वायट AEW के अंदर ही जाने वाले हैं, और ये तो हमें पता ही है, और वैसे भी हम चाहेंगे कि ब्रे वायट अगर किसी भी कंपनी के अंदर जाएँ तो उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले। तो ये कुछ अभी ब्रे वायट को लेकर रिपोर्ट्स हैं, उनके न्यू गिमिक को लेकर, और बाकी टोनी खान को उन्होंने जो फॉलो करके रखा है। आप ब्रे वायट को कहाँ पर देखना चाहते हो, किस कंपनी के अंदर देखना चाहते हो, इसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। समर स्लैम के बारे में बात करें तो गाइस यहाँ पर समर स्लैम के कुछ मैचेस के बैटिंग ऑड्स निकल के आए हैं, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, दो ही मैचेस के आए हैं, वैसे मैचेस तो काफ़ी सारे अनाउंस हो चुके हैं, मतलब चार मैचेस अनाउंस कर दिए गए हैं, लेकिन दो मैचेस के अभी बैटिंग ऑड्स निकल के आए हैं। सबसे पहला मैच है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, जो कि निकी एस वर्सेज शार्लेट फ्लेयर वर्सेज रिया रिप्ली के बीच में होने वाला है, और यहाँ पर जो फेवरेट चल रही है वो इस टाइम पर हमारी करंट चैंपियन निकी ASS ही चल रही है, यानी कि उनके बैटिंग ऑर्डर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद नंबर आता है सॉलिड फेयर का, और लास्ट में आती है हमारी बिचारी रिया रिप्ली, जो कि सबसे लास्ट स्पॉट पे यहाँ पर चल रही है। और जो अगला मैच है वो ये यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस और जॉन सीना का, और इसके भी बैटिंग ऑर्डर्स यहाँ पर रिवील कर दिए गए हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बैटिंग ऑर्डर से आगे चल रहे हैं रोमन रेंस, और उसके बाद है यहाँ पर जॉन सीना, तो बैटिंग ऑर्डर्स का भी यहाँ पर नंबर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, रोमन रेंस काफ़ी नंबर से यहाँ पर आगे चल रहे हैं, तो साफ साफ हमें पता है समर स्लैम के अंदर क्या होने वाला है। बाकी इस मैच को प्रेडिक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रोमन रेंस जीतने वाले हैं, जॉन सीना का भी कभी चांस बन सकता है, क्योंकि वो भी कोई ऐसे वैसे अपोनेंट है नहीं है इस बार, काफ़ी बड़ा दिक्कत होने वाली है रोमन रेंस को, तो समर स्लैम के अंदर देखेंगे। अभी दो मैचेस के आए हैं, क्योंकि अभी जो टैग टीम चैंपियनशिप का मैच अनाउंस हुआ और गोल्डबर्ग और बॉबी लेस्ली का मैच अनाउंस हुआ है, वो इसी वीक यहाँ पर अनाउंस हुआ है, तो उनके बैटिंग ऑर्डर्स अभी रिलीज हुए नहीं है, आगे चल के कुछ पता चलता है तो फिर मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगा। अब बात करते हैं इसके किस तरीके से यहाँ पर जो NXT है वो यहाँ पर देख रही है AEW को, यानी कि उनका NXT का शो भी चलता है, और उसी शो के चलते यहाँ पर वो AEW के डायनामाइट को भी देख रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये क्लिप दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो, और इसके ऊपर यहाँ पर मैं कुछ बात करना चाहूँगा। अब ये क्लिप तो देखो अभी निकल के आई, लेकिन यहाँ पर जितना मुझे दिखाई दे रहा है, जितना मुझे समझ आ रहा है, ये क्लिप मुझे लग रही है काफ़ी मतलब टाइम पुरानी, 2019 के टाइम पे मुझे ये वाली क्लिप लग रही है, जहाँ पर जो NXT है वो अभी वाला NXT नहीं है, यानी कि ये फुल सेल यूनिवर्सिटी वाली यहाँ पर ये शूटिंग दिखाई दे रही है, और जो मैच चल रहा है रिंग के अंदर वो शायद रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और वेलवेट इन ड्रीम का चल रहा है, जो कि आपको पता है वेलवेट इन ड्रीम तो यहाँ पर कंपनी से रिलीज ही हो चुके हैं, और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग का भी इस टाइम पर कुछ अलग ही कैरेक्टर चल रहा है, तो ये मुझे काफ़ी पुरानी क्लिप लग रही है, लेकिन फिर भी पुरानी क्लिप है, लेकिन दिखाई हमें दे रहा है कि NXT के शो के चलते यहाँ पर डायनामाइट का शो चल रहा है, और पहले हम देखा करते थे क्योंकि NXT और AEW डायनामाइट एक ही दिन पे आते थे, अब तो अलग अलग दिन पे हो चुके हैं, तो उसी टाइम की यहाँ पर ये बात है, जब हम देख रहे हैं दोनों शो यहाँ पर चल रहे हैं, उनका भी शो चल रहा है और यहाँ पर वो डायनामाइट को भी देख रहे हैं,
तो वैसे आपका क्या कहना है इसके बारे में? विंस मैकमैन तो यहाँ पर बोलते हैं कि AEW को वो कंपटीशन नहीं मानते हो, शायद उनके शो को वो देखते भी नहीं हैं, लेकिन साफ साफ इस वीडियो के अंदर हमें पूरी सच्चाई मतलब इनकी खुलती हुई दिखाई दे गई। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर देना। चैनल को कोई पहली बार देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर ऐसी कुछ कमाल की इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलती रहती हैं। तो आज फिर तब तक के लिए ध्यान रखें अपना अपने परिवार का, तब तक के लिए मैं कहता हूँ गुड बाय।